C seni anlama şeklinde, anlama şeklinde. Namo Veli Hantaryam, Namo Siddhanam, Namo Ayriyanam, Namo Ujjayanam, Namo Loe Sabsahu. अनादि अनंत लाइफ स्टाइल जिनागम में दी गई है, बस शब्द बदलकर हम बोल रहे हैं। अनादि अनंत लाइफ स्टाइल इसलिए कह रहा हूं कि पांच अनुव्रत और पांच महाव्रत लाइफ स्टाइल है। सम्यक दृष्टि के आठ ढंग, इस पे तो मुझे इतना कहने की इच्छा होती है कि सबको समझने लायक है ये लाइफ स्टाइल है। यदि आपको पढ़ाई करना हो, टैलेंटेड होना हो, इंटेलिजेंट होना हो, तो सम्यक ज्ञान के आठ अंग बहुत कम के हैं। तत्वार्थ सूत्र में यदि देखो तो ज्ञानवर्णी का जो सूत्र है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने मुझे अलग से, यदि मैं अलग अलग रेफरेंस दिखाऊंगा ना तो बहुत सारी चीज हो जाएगी, लेकिन उनको अपन यहाँ पर सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंटिंग में ये माँ बाप की क्लास लग रही है, मैंने ये समझो आप बड़े बुजुर्गों की क्लास लग रही है कि अपन कैसे सही रहें ताकि बच्चे सीखें। बच्चे माओं से सीखते हैं, बच्चों को बच्चों की भाषा में यदि आप चाहें तो उनके कमरे में या कहीं पर भी जहाँ अच्छा स्थान हो वहां पर बच्चे को बार बार पूछो तुमको हीरो बनना है कि विलेन बनना है, अभी उसकी भाषा है। तो बच्चे बोले मुझे हीरो बनना है। तो फिर हीरो के कौन कौन से गुण होते हैं, हीरो की ड्रेस कैसी होती है, हीरो की सोच कैसी होती है, हीरो की एक्टिविटीज कैसी होती है। जब भी वो पिक्चर देखे, कोई भी चीज देखते ही बच्चे पुस्तक पढ़े, तो उनसे पूछो इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र कौन था। जब बच्चे पढ़ने लिखने लगे कम से कम आठ साल का हो जाए तो उसे बार बार उसी को पढ़ने को, तो उसे कहो बताइए आपने अभी सीरियल देखा इसमें सबसे अच्छा कौन लगा कि हीरो, तो तुमको क्या बनना है हीरो, तो इसमें क्या गुण सीखा आपने, उसे एक नाम लिख के रख दीजिए। मैंने बच्चों से ही करवाई है, आप करिए उनके साथ। क्यों बच्चों को अभी हम यदि कहते हैं भगवान बनना है तो उन्हें इतना से लगता है ऐसे बैठना है बस, लेकिन भगवान बनने के पहले आपको नायक बनना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग के नेता देखे, नेता माने नायक। मैं मंगलायतन गया तो बच्चों ने कहा, मैंने पूछा बच्चों से कि आप क्या बनोगे, तो चूंकि हम लोग पूछेंगे तो भगवान बनने कहते हैं। तो एक बच्चा बोला मैं बताऊं, तो मैंने बोला मुझे नेता बनना है। अब नेता कहते हैं अपने दिमाग सीधा सीधा पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल नेता पे जाता है। तो बच्चा बोला मुझे नेता बनना, मुझे नेता क्यों, तुम नेता में क्या अच्छा लगा। तो फिर वो मुझे कहता है मोक्ष मार्ग का नेता। मैंने कहा मेरी तो जान ही सूख गई थी। तो आप उसे नायक बनने के गुण बताइए। जैसे नायक बनने के गुण यदि अपने को भी सिखाने हैं, सिखाने भी हैं। जैसे नायक का एक बहुत अच्छा गुण है धैर्य, धीरज, उतावलापन नहीं होना चाहिए। और उतावलापन मात्र बोलने की बात नहीं है, उतावलापन मात्र करने की बात नहीं है, उतावलापन सोचने की भी चीज है। जैसे मैंने कहा ना उसने कहा मुझे नेता बनना, तो मैं उतावली से सोच गया कि वही सोच रहा होगा। बच्चे उतावली से सोच रहे, आपने देखा है बच्चों से सबसे ज्यादा मिस्टेक इस बात की होती है कि वे पूरी बात ही नहीं सुनती। यदि हमने कहा बेटा बाजार जाओ तो सब्जी ले आना, तो इतना उमंग सुना, इसके बाद अपन ने कहा था देखो लौकी ताजी मिले तो लाना नहीं तो मत लाना। अब उसने लौकी तो सुन गया ताजी नहीं सुना। और वहीं से एक काम करना, चार काम बताए, वो सुनो बहुत महंगी देते हैं, वो ठगता है, अपन जितने इच्छा से वो सुन ही नहीं रहा।
तब आपने देखा हो जब वो सब्जी लेकर के आता है तो वो मिस्टेक करता है, तो अपने हमने कहा था ना आपसे, तो आपने कब कहा था, देख लेना आप, उतावलापन की ये निशानी है, अधीरता की ये निशानी है। मुंबई दिल्ली जा रहा है कोई व्यक्ति, अपने का बता ऐसे ऐसे काम कर लेना, सुनो ये जरूर कर लेना, ऐसे मत करना, तो पूरी बात नहीं सुनता, वो क्या समझता है मैं चला जाऊंगा। पिताजी जब भी मोटरसाइकिल की चाबी देते तो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, कोई वो इंस्ट्रक्शन नहीं सुनता, चाबी देखता है। गलती वही होती है, वो तेज चलाता है, इधर उधर एक्सीडेंट करता है, पेट्रोल फूंकता है, दोस्तों को दे देता है गाड़ी। मैंने पिताजी ने जो बातें बताई थी वो सुनाई नहीं पड़ती, उन्हें तो प्रैक्टिकल देख लेना आप। पिताजी ने बच्चे को 10 लाख रुपए की पूंजी दी, पूंजी अकेली दी ना, ऐसा नहीं, और उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, देखो कोई बात हो तो पूछ लेना, खरीदने से पहले बता देना, और इससे ज्यादा मत खरीदना, ऐसे नहीं लेना, और सुनो दोस्तों का भरोसा नहीं करना, उधार खा जाएंगे सारे, ऐसे नहीं कर। पिताजी इतनी सलाह देते हैं जीवन भर के अनुभव करने से, और उसे सुना, अच्छा पापा, अच्छा भाई, अच्छा पापा, पापा हाँ ठीक ठीक, अरे तो सुन था पंडित साहब को, मैंने एक बात ये देखी, वे जानते कि ये सब अधीर है, मैं भी अधीर हूं, तो पंडित साहब कोई बात बता दें फिर पूछते हैं तुम्हें क्या समझा है, यदि आप उनके प्रवचन समझे ना तो वे कहते हैं विचार करना, लिख के बताना, कई बार इसी बात पे उनके प्रवचन बाधित होते हैं, बस सुनते हैं चले जाते हैं, तो सुबह से शाम हो जाती, किसी ने आकर ये नहीं बताया कि हमने इस पर ये सोचा, कि हमने ये निर्णय लिया, हम ये करेंगे नहीं करेंगे, आपकी बात सही है नहीं है, हमें ताकत है नहीं, कुछ नहीं पूछे, और इस बात पर पंडित साहब बहुत प्राय करके प्रवचन उनके बाधित होते, हमें मालूम है वे लोग चले जाएंगे सुन के, बस अच्छा अच्छा करते रहेंगे, अच्छा अच्छा, फिर क्या समझ आया, नहीं देना बच्चों को, कई बार वो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे को, 10-12 साल के बच्चे को, जाओ जाओ दीदी से ऐसा कहना, ओकाली बनाए ऐसा, गाढ़ा बनाए ऐसे कर, फिर उससे पूछ ले तुम क्या क्या कहोगे, तो 4-6 बातें बताएंगे बेचारा, एक बार में सुनकर भूल ही जाएगा, फिर पंडित साहब से पूछते हैं, फिर पूछ के फिर उससे कहते हैं नहीं जी बात नहीं कहना, हमने ये नहीं कहा, हमें ऐसा कहा है, आप समझ गए होंगे, बच्चों में ये संस्कार अपने घर में से डालने चाहिए, क्योंकि यदि अधीरता है ना तो बच्चे जिंदगी में समय पर काम नहीं कर पाएंगे, सही काम नहीं कर पाएंगे, स्वरूप नहीं समझ पाएंगे, तो बहुत तकलीफ होगी। यदि आपको देखना हो ना, पति पत्नी में झगड़े की एक मूल जड़ ये है, पत्नी जब काम बताती है तो हाँ जी हाँ ठीक है ओके 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 ठीक ठीक ठीक, भाई साहब 10 में से 4 काम करके लाते हैं, 6 रह जाते हैं उनके काम, फिर वो पत्नी कहती हमने तुमसे कहा था वो काम तो जरूर करना था, आज आखिरी दिन आखिरी तारीख थी, कब कहा था तुमने, ले बोले कई बार मैंने अपने आप में देखा, मुझे कई बार ऐसा लगता है बच्चों से बात करो तो रिकॉर्डिंग कर लो ताकि बता सके देखो मैं कहा था, पढ़ाई लिखाई के नियम हैं, काम करने के नियम हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें बच्चों से पूछनी चाहिए, इससे एक फायदा होगा। कि मैंने अभी बताया ना पति पत्नी में झगड़े, बाप बेटे में जो जनरेशन गैप, आपने देखा हो मम्मी पापा गलत है ये मैं नहीं कहता, सास ससुर गलत ये भी नहीं कहता, बच्चे भी गलत नहीं है, लेकिन अधीरता गलत है, और ये हमें सुनने नहीं देती, अधीरता का लक्षण है समझने नहीं दे, सुनते ही नहीं तो समझेंगे कहां से, और फिर 2-4 बार करने के बाद फिर आपको जोर से बोलने में आ ही जाएगा, फिर आप टोकने लगोगे बार बार, हमें तो पहले ही मालूम थी तुम नहीं करोगे, हमें तो सब मालूम थी, हमें ऐसे मामले सास बहू हो तो बहू पर तो बिल्कुल ऐसा लगता है करना ही नहीं चाहती, हमें मालूम है ये मन की काम चोर है, अब वो कहती मम्मी मैंने सुना ही नहीं, अब देखो अधीरता की गलती थी, वो अधीरता की गलती थी, वो समझ नहीं आया, इसलिए फिर समझो सारे बच्चे बच्चियों में एक धैर्य का गुण जरूर डेवलप हो, उनके मैंने क्या कहा था वो पहले हीरो और विलेन, नायक और खलनायक, दोनों का नाम लिखो बाकायदा, कंपेरेटिव स्टडी करा, तो उसमें पहला नियम बनाइए क्या करना है, धैर्य, फिर निडरता, यदि बच्चा डरता है तो फिर समझ लीजिए कॉन्फिडेंस बहुत लूज है उसका, ध्यान रखना कुछ बातें हम पहले कैसे भी बच्चों को डरावनी कहानी मत सुना, भयानक कहानी से सुनाओ लेकिन डरावने अंदाज में मत सुनाओ, साहस के अंदाज में सुनाओ, पता है चारों तरफ से राक्षसों ने घेर लिया, मुंह से आग निकल रही थी, देखो 8 साल का बच्चा था ऐसे खड़ा था, महावीर भगवान की कहानी, बचपन की कहानी है ना, वीर अति वीर सन्मति महावीर सर्व के ऊपर चढ़ गए, वो ऐसा हो गया डरने लगा, अरे डरने का क्या काम है, अब बच्चे का डर निकालो उसी समय, यदि बच्चा डरता तो उसी समय निकालो, अरे बेटे जब तक देह की आयु है कुछ नहीं होता, सर्प भी नहीं डसता, गाय ने दूध पिलाया वो जीवंधर कुमार को,
गाय के इस तरह से दूध झरने लगा, माँ बाप छोड़ के चले गए, तो अभी तो पल गया वो। देखो प्रथम शिला के नीचे दबा दिया विद्याधर ने, फिर भी देखो जीवित रहा, कभी नहीं डरना बेटे। ये जब हम सुनना ध्यान से, जब स्टोरी सुनाते ना तब समझाने की बात है। स्टोरी एक बुक है पूरी पूरी, कथा कहानी का शास्त्र, पुस्तक का नाम है कथा कहानी का शास्त्र, लेखक है उसके घीजू भाई, मैंने पढ़ी उसको। मैंने उसमें ये लिखा है कि बच्चों को आप डायरेक्ट मत सिखाओ, जैसे परिशील की कहानी, पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की, मैंने उसी उसी के माध्यम से सारी शिक्षाएं दे दी उन्होंने। कथा कहानी सुनाना मैंने बहुत बड़ी चीज है, जिन्हें पढ़ना तो पढ़ लेना चाहिए। गीजी भाई की एक बुक है कथा कहानी का साथ, बच्चों को कहानी कैसे सुनाना, उसमें उसकी दया डेवलप हो, निडरता डेवलप हो, जैसे बच्चे मंजन नहीं करते हो तो उसमें कहानी देकर बताई उन्होंने। तो आप बच्चे को बार बार मत करो मंजन करो, दांत साफ करो, सुनते क्यों नहीं, चिल्ला चिल्ला नहीं, उसे एक बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाओ शाम को, और इतनी अच्छी परियों की कहानी सुनाओ। अब मैं पूरी तो नहीं सुनाऊंगा अभी, उसमें एक स्थान ऐसा आया कि सारे बच्चे परी के आगे पीछे घूमने लगे, और परी ने कहा आप सबको स्वर्ग चलना है, मैं आपको स्वर्ग ले चलूंगी, जहां सब बच्चे तैयार हो गए, लेकिन मैं सबसे पहले तुम्हारे दांत देखूंगी। तो जिन जिन बच्चों को टूथपेस्ट करते थे, दांत साफ थे, स्वच्छ थे, जो टॉफी नहीं खाते थे, टॉफी खाने मीठा खाने के बाद भी दांत ब्रश करते थे, उसमें कीड़े नहीं लगते थे, काले नहीं पड़े थे, पीले नहीं पड़े थे दांत, और उनके मुंह से खुशबू आ रही थी, ऐसे सारे बच्चों को उसने अपने विमान में बिठा लिया। फिर एक बच्चा रोने लगा, क्योंकि उसे नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि उसके दांत पीले थे, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी वो कुल्ला नहीं करता था, मेरी लंबी छोटी स्टोरी। फिर वो बच्चा, अब छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो तो मम्मी दांत तो मेरे भी पीले हैं, मुझे क्या करना चाहिए, अब परी आएगी तो तुमको नहीं ले जाएगी, आती जरूर। अब बच्चे इतने भावुक होते हैं ना, कहानी सुनते हैं सो जाते हैं, तो सपने में परी जरूर आती है, और फिर उसे याद आता है मेरे दांत चेक कर रही हो, फिर वो परी नहीं ले जाती, क्योंकि स्टोरी में जो सुना है वही सपना देखता है वो, फिर परी नहीं ले जाती तो रोने लगता है, फिर मम्मी उठाती है, क्या हुआ बेटे, मम्मी परी हमें नहीं ले गई, वहां आइसक्रीम के पहाड़ हैं, वहीं रह रहा है। कथा कहानी के साथ हर माँ को पढ़ना चाहिए, मतलब बच्चों को सुनाने के लिए, टीचर्स को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने की सबसे अच्छी स्टाइल दी उसने। बच्चों को कुछ भी सिखाना हो ना, फिर कह रहे डांट मार से अच्छा है उनको स्टोरी सुनाओ, तो निर्दयता की कहानियां सुनाइए। गीता प्रेस की किताब है वीर बालक बालिकाओं की कहानी, बहुत सस्ती किताब है, 2-5 रुपए की होगी, 5-7 रुपए की, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, वीर बालक और वीर बालिकाओं। मैं जो भी आप में से कोई विद्वान है, स्टोरी राइटर हो, कथा लिखने वाले की रुचि हो, तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि हमारे सारे पुराणों में से, महावीर भगवान से लेकर के सारे निडर बालकों की कहानियों में उनको जोड़ा, प्रद्युम्न की कहानी इनकी होगी, जितनी भी प्रद्युम्न की कितनी अच्छी कहानी है, अभय कुमार की कितनी कहानियां हैं, यदि जैन समाज में वीर बालक और वीर बालिकाओं की कहानियां निकल जाए तो मैं समझता हूं हमारे बच्चों पर बड़ा उपकार होगा, किया जा सकता है बहुत बड़ा काम। तो निडरता सुनाई इसने, सिखाई उसे, उसमें लिखवा दीजिए निडरता, तुम नहीं डरते ना, नहीं डरते, हाँ तुम कभी नहीं डरते, मक्खी से डरते हो, नहीं, मच्छर से डरते हो, नहीं, चूहे से, नहीं, वेरी गुड, इसलिए आप निडर है। अब बच्चा हर बार उधर देख देख के कहे मैं निडर, मैं निडर। झांसी की रानी के बारे में आता है, जो स्कूल में पढ़ती थी, अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजी इंस्पेक्टर थे उस जमाने में, तो पढ़ती थी, तो एक अंग्रेज आया, उन्होंने कहा लिखो मैं बहादुर बच्चा बनूंगा, तो लिख ही नहीं रही वो, लेकिन इंटेलिजेंस थी टॉप नंबर 1, लेकिन लिख ही नहीं रही, अब इंस्पेक्टर लिखवा रहा था, तो टीचर को बड़ी तकलीफ हो रही थी, लिख नहीं रही, तो उन्होंने धीरे से पांव से नीचे बैठते थे जमीन पर, उस जमाने में टेबल कुर्सी नहीं थी, तो पांव से उन्होंने उतरने से लिखती क्यों नहीं, लिख इतना सरल बात, मैं बहादुर बनूंगी, तो बोली मैं नहीं लिखूंगी, तो इंस्पेक्टर देख क्यों नहीं लिखोगे बेटे, लिखो ना मैं बहादुर बनूंगा, मैं बहादुर बनूंगा नहीं हूं। आपका वाक्य गलत है। वो इतनी सी बच्ची कहती है 8 साल की, तुम्हारा वाक्य गलत है, मैं बहादुर हूं बनूंगी नहीं, मुझे अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, मेरे पिताजी पर राज कर रहे हैं ये लोग मेरे। समझ आया, मैंने ऐसी कहानियां हैं,
खैर सच्ची घटनाएं बहुत मिलेंगी। तो निडरता नंबर साहस, साहसी, साहस और निडरता में थोड़ा अंतर है, डरना नहीं और कार्य करने का साहस। आपने देखा है बच्चों को साहस नहीं होता, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं होता, कोई बात का बेटे पढ़ाई कर लो वो हमें याद नहीं होता। मैं बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को देखता हूँ, ब्रह्मचारियों से कह रहा हूँ बेटे तुम पाठ याद किया करो, एक महीने में एक पाठ याद नहीं कर, वो याद नहीं होता। याद नहीं होता या आप करना नहीं चाहते? आप याद करिए, याद होना नहीं होना ये भवितव्य के अधीन है। आपका काम है रोज याद करिए, रोज पाठ याद करिए। आप सबको भी कह रहा हूँ एक गाथा रोज याद करिए। मेरी सिस्टर का एक काम मुझे बहुत ही पसंद आया, मुझे मालूम नहीं था उसने किया इतना अच्छा काम। अन्ना जी ने उसे 1000 रुपए दिए, काय बात के दिए, उसके बच्चे हैं 3-4, पूरा ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ा घर है, परिवार है सब। इतने मेंबरों के बीच में भी उसने समय सार जी का पूरा पूरी 415 गाथाएं याद करके प्राकृत में हरि गीत में उन्हें सुनाई अन्ना जी को ललितपुर में। तो अन्ना जी बहुत खुश हुए, तो कैसे याद करी, हमें भी ऐसा हुआ कि इसने याद कैसे किया। तो बोले हम रोज के रोज गाथाओं का पन्ना मतलब लिख करके वहां लगा देते थे और रोटी बनाते जाते थे, वो याद करते जाते थे। तो रोटी बनाते बनाते उसका समय सारजी का पूरा पाठ लगता था पूरी, और नई नई गाथाएं याद करना, पुराना पाठ भी जाता था, 1-1.5 घंटा लगता ही रोटी बनाने में, उतनी देर में वो गाथा पढ़ पढ़ के याद करती है और पूरा याद कर लिया था। ये साहस कहलाता है। भक्तावर हम नहीं कर पाएंगे, अरे क्यों नहीं कर पाएंगे? जब भी कोई बात सुन करके आपको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, ये आपकी साहस की कमी है। हम व्यायाम नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ पैर दुखने लगेंगे, हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, हम पूजा प्रक्षाल नहीं कर पाएंगे। एक बात कहूं आप सबको, कई लोग आपस में ऐसा कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। समय कैसे नहीं मिलता? नरेंद्र मोदी 18 घंटा काम करता है, 16 घंटा 14 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, इसके बावजूद सुबह उठ के प्राणायाम व्यायाम करते हैं, व्यायाम प्रणाम करते हैं, स्वयं से फिटनेस रखते हैं। मैंने सच में पूरे विश्व को ताज्जुब हुआ था जब पहली बार वो जीत के आए थे 2014 में, और 9 दिन पड़ गए थे 9 दुर्गा के और अमेरिका उसी समय 9 दिन अमेरिका में थे, 9 दिन। सारा विश्व को अचंभा था कि ये आदमी कुछ खा पी नहीं रहा, केवल नींबू पानी पी रहा है, और 16-18 घंटे का संबोधन भी कर रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी संसद में, पार्लियामेंट जगह जगह काम करे 9 दिन तक, सबको अचंभा है कि वह नींबू पानी पी रहे हैं, ये कर क्या रहे। मैंने साहस रखना सीखा। बात ये जैसे मैं कहूँ ना बेटे आप एक नियम लो, अभी आप लोगों से कहे नियम लो, तो आप में जो साहसी नहीं होंगे वो डर जाएंगे, नहीं भाई हम नियम नहीं लेते, प्रतिज्ञा टूट जाती है हमें बस की नहीं है। ये साहस की कमी है। एक छोटा सा नियम लेने में डरने लगते हैं, वो स्वाध्याय का नियम लो, नहीं हम पढ़ेंगे तो सही लेकिन नियम नहीं लेंगे, इसका मतलब आपकी सोच में साहस नहीं है। तो बच्चों को छोटे छोटे काम दे के बताइए, छोटे बताइए, उनका साहस जगाइए। मैं विद्यालय में जब भी पढ़ाता हूँ मतलब बच्चों को, तो मुझे पहले मालूम कर लेता हूँ सबसे कमजोर बच्चे कौन है, तो अपन रोज पढ़ाते हो तो पता होता है, रोज नहीं पढ़ाते तो नहीं मालूम होता। जो पुअर बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना मेरा काम, मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं बच्चों को देखता रहूंगा और उनके चेहरे पर जब कॉन्फिडेंस आता जाता तो सबसे सरल प्रश्न पूछूंगा, सबसे सरल प्रश्न, तो वो बच्चे झट कहते हम बताएं, हाँ जरूर बताइए, हो इतना खुश होता है आज मैंने बताया। अभी टीचर बहुत खराब होते हैं जो कठिन प्रश्न उसी से पूछेंगे और पहले ही पूछे तुम ही बता पाओगे, समझ में नहीं आती तुम्हारी बुद्धि नहीं तुम्हारे तो बेचारे वो कॉन्फिडेंस लेवल और कम कर देता है। मैंने आप अपने बच्चे को नायक बनाना चाहते हैं ना तो ऐसा काम बताइए जो वो जरूर करेगा, ऐसी बात पूछिए जो वो जरूर बता लेगा, छोटे छोटे काम दीजिए वो जरूर करेगा। तेरे हाथ पेरा दम नहीं है, सत्य नहीं है, तू पानी ढोल देगा, हमें मालूम दे बाल्टी ढोल देगी, एक मग पानी नहीं भर पा रहे तुम, इससे उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, अगली बार उससे और गलती होगी। आप पानी जरक कहोगे भी ना उठा भी सकता हो तो डरते डरते उठाएगा। कई बार आपने देखा है बच्चे भय से गलत सोचते हैं, भय से गलत काम करते हैं, भय से सही नहीं बोल पाते। तो बच्चों को निडर बनाइए, साहसी बनाइए। अगला है सत्यवादी, इसकी चर्चा पहले ही बहुत किया, सत्यवादी बनाइए। सत्यवादी के लिए मैंने पहले भी कहा, बस अभी थोड़ी सी याद दिला रहा हूं कि बच्चे को सत्य बोलने पर पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, डांट तक नहीं मिलनी चाहिए,
ये नियम आपका कट्टर होना चाहिए कि बच्चे कितनी भी गलती कर दें, बड़ी से बड़ी गलती, उनसे ब्लेंडर हो जाए बिल्कुल, हो जाने दीजिए, लेकिन बच्चों को डांट मार फटकार नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, बहुत प्यार से जब बच्चा शांत हो जाए तब उसे अच्छी सलाह दीजिए, बेटे आप चाहते थे ऐसे कर सकते थे, मेरे से जब भी बड़ी बड़ी गलतियां हुई पंडित साहब ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी, मैंने घबराहट होती है ऊपर घबराहट निकल जाने का, फिर बाद में प्रवचन में अलग से जब वो कुछ कहना तो बहुत अच्छी सलाह देंगे, इतना अवभाव आता है उनके प्रति, पूछो मैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो बच्चे को सत्यवादी बनाए, सत्यवादी यदि कई कल बात चली थी झूठ क्यों बोलते हैं बच्चे, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे, सत्य बोलने के लिए प्रेरणा करें और सत्य उसके, और एक और बात सुन लो, सत्य बोलने की तारीफ करो, जितने ये गुण है ना इनकी बातें करो, आप बच्चे केवल इतनी तारीफ नहीं करो कितना बढ़िया डांस करता है, करके बताना बेटा आई एम ए डिस्को डांसर, 20-30 साल पहले ये गाना बहुत चलता था बच्चों में, आई एम डिस्को डांसर, मम्मी हर बच्चे की मम्मी बच्चे से डिस्को डांस कराती थी नहीं अपन ऐसी बात नहीं, अपन उसकी उन बातों की तारीफ करो जो एक गुण है, इससे बच्चा खुश होता है। छोटी से छोटी बात की तारीफ करो बच्चे को, यदि आप चाहते हो ये पक्का हो जाए तो पक्का हो जाएगा उसको। आइए, सदाचारी, कार्य कुशलता समझ गए, छोटे छोटे काम वो कर सकता है। जो गीजी भाई ने बुक लिखी है ना, पूरी पूरी 17-18 किताबें लिखी है उन्होंने, बहुत अच्छी पढ़ने लायक किताबें हैं उनकी, उसमें एक पुस्तक उन्होंने ऐसी बात लिखी है कि बच्चे जब भी कोई काम करते तो मम्मी हमेशा चिल्ला के बोली, हाथ काट लेगा बियाल तू, आग लग जाएगी, मैं मर जाएगा तू, हट जा तू यहां से, हट रही नहीं उन्होंने ये बात उस बच्चे की कार्य कुशलता को कभी नहीं बढ़ने देंगे। बच्चा जब भी कोई कार्य करना चाहता है तो आप उसे खुद बताइए, छोटे छोटे पार्ट में उसे काम कराइए, छोटे छोटे पार्ट, और ये ध्यान रखिए बच्चा कितना भी छोटा हो काम करने के लिए हमेशा उसका दिमाग चलता है, कितना भी छोटा। मैं एक दिन उसके पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा, दे भी दूंगा आपको पूरे पेपर्स, आप ले लेना, उसमें मैंने पूरे काम बताए बच्चों के लिए, उनको काम कराइए, कार्य कुशल बनाइए। संरक्षक, सम्यक प्रकार से रक्षा करना, संस्कृति की रक्षा करना, माता पिता की समाधि करने के संस्कार, जब भी मैं तो कहता हूं कभी कभी जानबूझ करके बीमार हो जाओ, जानबूझ करके बीमार हो जाओ मतलब लेट जाओ, बेटा भयंकर से दुख रहा है तो मम्मी हम क्या करें, अब बोलो तुम क्या करो, तो अब योग तेल लगाना बताओ, इस समय में ऐसा तेल लगाना चाहिए, ऐसे मसल लगना चाहिए, और सुना नमुकार मन सुनाना चाहिए, ये और बड़ा है तो छह डाला का पाठ सुना, जो मैंने बच्चे में वो संस्कार डाल दो जो आपको जरूरत है। बेटा तेरे हरी ही सुनाना, समय साजी की गाथा, छठी गाथा मुझे बहुत पसंद है, आप एक बार कहोगे बच्चा हमेशा कहेगा क्यों हमें कौन सी गाथा पसंद है समय सार की, मम्मी छठी गाथा सुनाना बेटे, और मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, मेरे सीने में दर्द था ठीक हो गया, तू कितने अच्छे से गाता है ना, सचमुच कितना पुण्य बनता है, कितना पवित्रता होती है, कितनी विशुद्धि होती है, मैंने ऐसे ऐसे शब्द बोल देगा उसको ये सारे शब्द याद हो जाएगा, वो बच्चा सुनेगा ना उसी से उसे याद हो जाएगा। अब जो आपको पसंद है ना वो उसे करवाइए, क्योंकि समाधि के टाइम वो उसे पता है मम्मी को क्या पसंद, यदि आपको नमोकार मंत्र जोर जोर से बोलना, 50 लोग एक साथ कमरे में बोलना ये पसंद नहीं है, तो आप बिल्कुल बच्चे के सामने कह दीजिए बेटे बीमार होने पर कोलाहल नहीं करना चाहिए, 50 लोगों जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, ताली बजा के नहीं बोलना चाहिए, जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है, तो अब वो बच्चा ध्यान रखेगा, वो आपका निर्यापक बन गया, आपके कमरे में 50 जनों को नहीं बोलने देगा, आने नहीं देगा, वो नहीं बिल्कुल नहीं, बीमार आदमी की साइकोलॉजी में तकलीफ होती है। मैंने आप, मैं क्या कहूं आपको, अभी भी ऐसे लोग हैं अहमदाबाद में, श्वेता अमर भाई हैं, उनके परिवार में एक भी बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं गए, एक भी बच्चे को, और एक भी बच्चा इंजीनियर से कम नहीं है, डॉक्टर से कम नहीं है, उनका एक एक बच्चा किसी मायने में कम नहीं है, किसी भी मायने में कम नहीं है, हेल्थ के मामले में कम नहीं, किसी मामले में कम नहीं, और वो अपने बच्चों को खुद ऐसे ट्रेंड करते जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, मिलने लायक परिवार है ऐसा, अच्छा उनके घर में आज भी ये तुम्हारे जो बाजार का गेहूं है वो नहीं खाते, बाजार की सब्जियां नहीं खाती,
उनके बहुत बड़ा खेत है और सारा परिवार मिलकर खेती करता है। आज यदि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से हो सकता है 2-4 जगह बचे होंगे असली टमाटर, असली ककड़ी, असली गेहूं, दाल, चना, जो कुछ भी उनके खेत में है सब उन्होंने खुद नहीं पैदा कर रखा है। उन्होंने आविष्कार कर रखे हैं, नए नए आविष्कार, खेती बाड़ी में कौन कौन सी चीजें चाहिए खुद बनाते हैं अपने दिमाग लगाकर सारे बच्चे मिलकर। उन्होंने ऐसा परिवार भेजा। मेरा मतलब यह कि बच्चों को अभी मैं एक बात आप लोगों से सबसे कह रहा हूं, साइकोलॉजिकल बात, शायद आप स्वीकार करोगे, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों को क्या लगता है बच्चा 100% समझदार, शिक्षित, ट्रेंड स्कूल से होता है? ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी। ऊपर से इसीलिए हम अपने बच्चे को, सब लोग मेरे से पूछेंगे, मैं एक दिन शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात करूंगा पूरा एक घंटा, तब शायद आप बहुत क्वेश्चन खड़े करेंगे, क्योंकि हमारे ब्लाइंड, इसको मैं कहता हूं ब्लाइंड फॉलोवर, हम मिशन मिशनरीज की चलने वाले स्कूलों के ब्लाइंड फॉलोवर हैं। हमें लगता है 1,00,000 रुपए के स्कूल में बच्चा बहुत अच्छा पढ़े। मैं आपको बता सकता हूं कितने द्रोण सीख रहा है वो, जाके देख क्या क्या सीख रहा है वो। मैंने एक समय था जब हम परायों की भी सेवा करने में सौभाग्य मानते थे, हमारे घर में कोई भी आ जाता था XYZ, उसे हम भोजन कराते थे, पानी पिलाते थे, छाछ पिलाते थे, दूध पिलाते थे, हमारे घर में जो होता था वो। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में अनजान व्यक्ति को भी किसी ने पानी नहीं पिलाया। क्या मतलब? पानी अकेला नहीं पिलाया, ये कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यदि घर में कुछ नहीं होता था ना तो एक गुड़ की ढेली लाते थे, गुड़ की ढेली खिलाते थे, गर्मी के दिनों में आया गुड़ की ढेली खाओ और एक पानी पियो। मैंने किसी को मीठा मुंह कराए बिना पूरे हिंदुस्तान के किसी घर में से कोई नहीं जाता है। नींबू हुए तो सिकंजी बना देते थे, छाछ होती थी छाछ, आप हरियाणा और पंजाब में जाके देखो हर घर में आज भी छाछ पिलाई जाती है, कोई अजाए पढ़ लेना मेरी जीवन गाथा में पंडित जी ने कितना कुछ लिखा है। मैंने ये संस्कार हमें देने, अब ये संस्कार वहां मिट रहे हैं और लाखों रुपए मैं आपको आपको कहूं तो पंडित साहब ऐसा कहते हैं आपके पैसे से आप कोई बिगाड़ रहे, आपके बच्चों को बिगाड़ रहे, आपके पैसा लेके आपके बच्चों को बिगाड़ रहे और उनकी बिल्डिंगें बढ़ती चली जा रही, तो खूब बढ़िया सैलरी दे रहे, खूब पैसा दे रहे और पूरे के पूरे ईसाई संस्कार दिए चले जा रहे। मैं फिर कहता हूं ये सारे गुण हमें सिखाने हैं बच्चों को, कौन कौन से संरक्षक बने, संस्कृति का पालक बने। लेकिन मालूम है इसके लिए तपस्या आपकी लगेगी, आपको संस्कृति का पालन करो बच्चा तो अपने आप करेगा। नहीं बेटे 48 मिनट पहले सूरज डूबने के 48 मिनट पहले रात हो जाती बेटे, जल्दी आओ, लोलैया में नहीं खाओ लोलैया समझते होंगे, बुंदेलखंड के बहुत लोग होंगे बिल्कुल सनसेट हो रहा है, बिल्कुल डूब रहा है और खाए चले जा रहे ना, अभी तो है उजेरो है उजाला है। नहीं, ये संस्कृति का घातक है। अभी हमने सूरत में ये जगह भी नल की थैली नहीं मार दी, सूरत के सिरे सबको छन्ने दिए, भले 10-20% छन्ने लगाए होंगे, जिन्हें छन्ना लगाने की आदत है उन्हें तो बहुत पसंद आए होंगे, हमने सबको छन्ने पहुंचाए। इस बार बहुत नए काम हुए सूरत के सिरे में, मैंने बोलू सबसे पहले सुधार हुआ छिंदवाड़ा पंचकल्याणक से, इससे पहले अपने कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की। छिंदवाड़ा पंचकल्याणक में सेंधा नमक, 6-6 घंटे की पानी की मर्यादा, और भाई लोग पानी छान रहे, बहने लोग पानी छान रहे, उसके ऊपर लिख रहा है 1 बजे तक की मर्यादा। मैं जो काम वहां से स्टार्ट हुआ छिंदवाड़ा था, इसके बाद वो फैलते ही चला जा रहा है। अब लगभग हमारे सारे शिविरों में पंचकल्याणकों में सेंधा नमक एक आम बात हो गई, सोच नहीं सकता था कोई आदमी। लेकिन पानी छान रहे, इस बार 100% पानी पूरे दोहरे छन्ने से छाना, खाने पीने का दिन भर का पानी दोहरे छन्ने से। अब उसमें छन्नी नहीं लगी, वो क्या कहलाती थैली, तो कई लोग ऑब्जेक्शन कर रहे टंकी में थैली नहीं बंधी अनछना पानी पिला रहे, तो फिर उन्हें बताना पड़ा जा रहा हमारे 10-12 कार्यकर्ता दिन भर पानी छान रहे और जब तक वो छान के रखते हैं और गर्मी के रहने खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा पानी आ रहा है। मैंने अमर्यादित पानी तक नहीं पिलाया किसी शिविरार्थी को। ये संस्कृति रक्षक है, ये बात, ये बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। संस्कृति में यदि मैं पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं, वो आप पढ़ लेना सब क्या स्वाध्याय करके और वो सब पालन करना। जैसे एक बात मुझे कहने की बहुत इच्छा रहती है,
कि आप अपने बच्चों को अष्टमी चौदह से द्रव्य तैयार करके एक थैली बनाओ या डब्बा बनाओ स्टील का बढ़िया, और बच्चे से कहो जा बेटा आज आठ हमें मंदिर की पूजा की तरफ रखे आओ, पूजा की तरफ देखे आओ। मेरे को याद आता है बचपन का, मम्मी कहती थी स्नान करा रही है जाओ गोली खरीद ला, गोली खरीद ला, अब ले आए ले ला के क्या होता छीलो, तो छीलने में मजा आता था, तो छील के अब चिटके बनाओ, तो हम कैसे बनाए एक एक चीज, तो चिटके बनाना सीखी, एक एक जब लगाओ थाली चावल बीनो संभाल के ले जाओ रख के आओ, तो ये संस्कार बच्चों में डालो। देखो एक बार बताऊ, हर मम्मी पापा अपने बच्चों से आज परेशान है, वो मंदिर नहीं जाना चाहता, रक्षालय नहीं करना चाहता, तो ये संस्कार की रक्षा आपको करनी है। बच्चे तो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम के बहाने वो काम करेंगे, उन्हें संस्कार पड़ गए। राजा बेटा जाइए, मुझे सच में इस मामले में पता नहीं, और भी लोग बहुत काम करते होंगे, भीमा दादा झांझी जी का परिवार और उनका मनन का, उनके परिवार में उनके खुद के बच्चे या दूसरों के बच्चे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार ऐसा, तो अपन अपने बच्चों को इतना नहीं बोलते, लेकिन दूसरों बच्चों को झट मोटिवेट करते हैं, लेकिन विमल दादा झांझी अपने घर की सबसे अंशी का इधर आओ 47-37 सुनो पंडित जी को, मैंने भला करो, और तेरे को याद है ना दर्शन पाठ हो सुनाओ। तो ऐसे करते करते छोटे छोटे बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिनके प्रक्षाल के बिना रहे, पूजा के बिना रहे, प्रक्षाल के बिना रहे। मैंने सब बच्चों के सामने, इतना बड़ा परिवार है, मैं भोजन करने जाऊंगा जब भोजन करने, तो खड़े होकर के दरवाजे पे से ग्रहण करते हैं, खड़े खड़े पधार। हमारा दुर्भाग्य कि हमारे घर में आज मुनि भगवंत नहीं पधार रहे, हाँ भाई पधार गए तो हमारा घर पवित्र हो गया, ऐसे बोलते हैं सब बच्चों के सामने। क्या ऐसे नहीं आओ ये पंडित जी वाले हजार रोटी खा दी और बैठे अपने आराम से हजार रोटी खा ना, ऐसा नहीं करती, इतने बड़े बुजुर्ग हैं मेरे ग्रैंड फादर के बराबर है, लेकिन ऐसे सड़क पे से लेंगे बिठाएंगे छोड़ने जाएंगे बुलाएंगे। अभी इतने नाराज हुए सबके ऊपर, सामने शेखर जी ने उनके कमरे में मिलने चला गया, बोले आप क्यों है, आपका पता लगे हम कहाँ हैं, आप कहाँ, ऐसे बोल रहे मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे, मैं तो आपका बच्चा हूँ। कि नहीं नहीं बेटा तुम्हें पता लगता है कि तुम बच्चे नहीं हो, और इतना डांटा सुकुमार जी को, तुमने आप चलते ना उनके पास, लोग क्यों आए, उनको अपने नहीं लाना चाहिए, अपने को जाना चाहिए, भाई संस्कृति ऐसे सिखाते हो। जब जब भी भोजन ऐसा नहीं, कई बार जाना होता है तो बिल्कुल खड़े रहेंगे बैठे रहेंगे, अपन कुछ परसों ऐसे बोलेंगे, और इतना आह्लाद मनाते हैं जैसे कोई सच में बहुत, मैं तो उतनी उनकी भाषा बोल करके ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बड़ा हूं, इतनी अच्छी भाषा बोल। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, सभी देखा होगा कि विमल दादा झांझी जी का पूरा परिवार गुणग्राही है। इसमें एक शब्द लिखा है गुणग्राहकता का संस्कार दो बच्चों को। मैंने आप देखो, आप में से जिन जिनका भी परिचय हुआ, आरंभ झांझी मिले चाहे बहने मिले चाहे भुआ जी मिले चाहे कोई मिले चाहे सुकुमार जी, पता नहीं कहां कहां से याद रखते हैं वो, तुमने एक 20 साल पहले भजन सुना है वो वाला भजन फिर सुना, उन्हें याद रहता, मैं कहता मैं तो भूल गया इतना एक लाइन सुनाओ, मैंने क्या मजाल मैं उनके पास जाऊं और भजन की न गाना, मेरी मम्मी से मिलेंगे तो कहेंगे वो तुम वो वाला भजन सुनाओ, तुमने वो सुनाएगा। मैंने ये गुण ग्राहकता का संस्कार, मैं ये बात फिर कह रहा हूँ, नायक इसी को कहते हैं, हीरो इसी को कहते हैं, यदि ये गुण बच्चों के जीवन में हो गए तो बच्चे कभी दुखी नहीं हो सकते, हैरान नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते, इसके शत्रु पैदा नहीं हो सकते। क्या क्या शत्रु पैदा नहीं हो सकते, कोई इसे ठग नहीं सकता, ऐसे बच्चों में गुण डेवलप होने चाहिए। विवेक के गुण, विवेक ही होता है नायक, तो विवेक करना सिखाएं। श्रेष्ठ और सम्माननीय ऐसे अच्छे अच्छे जो हैं, ये सब उसको श्रेष्ठता के गुण, श्रेष्ठता समझे हर क्षेत्र में श्रेष्ठता, सम्मान जो होता है ना, हीरो श्रेष्ठ होता है, पूरे पात्रों में हीरो श्रेष्ठ होता है, पूरे पात्रों में वो सम्माननीय होता है। ये बच्चे को यदि पिक्चर देखता तो वहां से सिखाओ, सीरियल देखता तो वहां से सिखाओ, पुराण पढ़ता तो उसमें से सीखा, देखो सम्मान नहीं होता, देखो कोई आप आदर ही नहीं करता, बगल के मोहल्ले के बच्चे तेरे को अच्छा नहीं समझते, तो फिर तुम हीरो कैसे बनोगे, हीरो तो वो होता है जिसको सब बच्चे आदर करते हैं। तो हम क्या करें, एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, नाम मुझे ज्यादा याद नहीं है, कंफ्यूजन है उस नाम में, इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़े लेखक है रसिया के,
बहुत बढ़िया लेख है, उनका साहित्य हिंदी में ट्रांसलेट भी हुआ है। उनकी एक बेटी थी 9 साल, मोहल्ले में खेलने गई होगी तो किसी लड़के ने उसे मार दिया होगा या कुछ हैरान कर दिया होगा, कुछ ना कुछ कर दिया होगा, तो बन बनाती हुई आई घर के अंदर, पिताजी मुझे बंदूक दो। बोले क्यों बेटे क्या हुआ? मैं उसे गोली मार दूंगी, उसने मुझे ऐसा किया। तो अब वो बच्ची थी गुस्से मेरी, तो पिताजी लेखक को बिचारे थे, उन्होंने बच्ची से कहा बेटा आप अच्छे बेटे हो कि खराब? अच्छे हैं। आज्ञाकारी? हाँ। तो आप मेरी बात मानोगे? कि बिल्कुल बोलो मैं मानूंगी। तुम थोड़ी देर बाद जाकर उसे गोली जरूर मार देना, लेकिन पहले एक गिलास शरबत दे के आओ उसे। तो जूस बना करके उस बच्ची के हाथ में जाए। अब बच्ची को पहले तो कह दी तू गोली मार देना, शरबत देना, तो ठीक है। अब आप कह रहे तो आज्ञाकारी, ये तो आपने पहले ही कहला दिया, अच्छी बच्ची हूँ, ये तो आपने पहले ही कहला दी, तो मैं इतना काम कर दूंगी। तो उसने गिलास लिया शरबत और मोहल्ले में भी नीचे उस लड़के को बुलाए, ओ ब्रदर कम हियर, टेक इट, ड्रिंक इट। अब वो बच्चे बेचारा वो तो हक्का वक्का किसी कर क्या रही है, बुला रही है और ड्रिंक करने वाली। तो फिर उसने पूछा हु सजेस्टेड यू, तेरी अक्कल तो नहीं हो सकती। मैंने किसने तुम्हें ये सजेशन दिया ऐसा करने के लिए? माई फादर सजेस्टेड मी। ओके। फिर वो बच्चा बच्ची के साथ घर आया। अब अपनी भारतीय कल्चर की भाषा में बोलूंगा, उनके यहाँ पैर नहीं छुए जाते, लेकिन उसे सॉरी बोली। अब हम अपनी भारतीय भाषा में कहते उसने पैर छुए, अंकल आज के बाद ये मेरी सिस्टर है और पूरे मोहल्ले में इसकी रक्षा मैं करूंगा, कभी किसी को हैरान नहीं करने देंगे, आज आपने मेरा दिल जीत लिया। आप समझ गए मैंने क्या कहानी सुनाई? बच्चों को हमें ये सिखाना है हीरो ऐसा होता है। अब ऐसे हीरो को कौन नहीं चाहेगा बता, लेकिन ऐसी मम्मी हो तो पिटके आ लो। इतनी सी बात ने उसे हवा भर दी जिंदगी भर के लिए कि मेरी मम्मी को पिट करके आना पसंद नहीं। लेकिन भाई साहब अब तुम्हारा बच्चा कभी वो थाने में भी जा सकता है, बड़े में मारपीट करता रहेगा। तो मैं अपने बच्चों को एक बात हमेशा कहता हूँ, आपके बीच में बता रहा हूँ उस बात को, हमेशा कहता हूँ बेटे JNU को अपनी रक्षा करने के लिए चक्कू और तलवार और रिवॉल्वर की जरूरत कभी नहीं पड़ती। देखा आपके घर में है कोई AK-47? अब तो AK-56 भी आ गई है। किसी घर में रिवॉल्वर है? किसी घर में बंदूक है, तलवार है, कुछ नहीं है। ये बात मुझे कब समझ में आई पता है? एक बार हमारे यहाँ बुआ जी को कोई छेड़ता हुआ, तो जब शादी हो गई तो बुआ जी ने फूफा जी को बताया कि ये लड़का मुझे हैरान करता है, बस मंदिर जाती हूँ कॉलेज जाती हूँ यहाँ खड़ा करता है, हैरान करता है, इशारे करता है। फूफा जी तो बहुत तेज थे, सुनने एकदम गुस्सा आ गई, पकड़ लिया उसे भाई, क्यों छेड़ता है तू? सड़क पर मारपीट करने लगे और घर आके बोलते हैं कुछ है? तो डंडा हो तो डंडे ही लिया, चक्कू तो चक्कू दे, कुछ नहीं छुरी अपने वो सिंपल सब्जी वाली, अपने आपको कुछ है ही नहीं। अब भी तो थोड़ी तेज तर्रार से रखते थे सब उनके यहाँ पर, भोपाल में बस बस चलती थी ना, तो वो तेज तर्रार हुआ काम है बस चलाना। तो अब नहीं आता कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा तो डंडा भी नहीं है क्या है तुम जेंगे घर में? कुछ नहीं। उस दिन मुझे समझ आया हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मेरी मम्मी ने उन्हें मुगलिया ला के दी, मुगलिया। मैंने ये भाई साहब हमारी गरिमा है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी किसी के पास चाकू नहीं होगा इस भरी सवाल, किसी को बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हम शत्रु पैदा नहीं करते, हम शत्रुता को हराते हैं, हम शत्रुता का नाश करते हैं, हम शत्रुता का अभाव करते हैं, हम जीतते हैं। मैंने आत्मार्थी चेस में ये बात कही थी बच्चियों के बीच में, आपके बीच में कह रहा हूं, बच्चियों को दिल जीतना सिखाई। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ी बात कही है, शब्द तो बहुत कम दिख रहे होंगे, दिल जीतना सिखाई। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारी बुआ जी को देखने कर आते थे ना, तो घरों में ऐसी बात चलती, अरे सासू सातवीं प्रतिमा धारी है, हाथ चक्की का खाती है, तो पहले से ऐसा वातावरण बन जाता था कि वो मेकअप कर लेती थी दिमाग
बुआ जी कि जाते से आटो पीसना है, जाते से कुआ का पानी भरना है, अटपेरा घी बनाना है, मतलब दिल जीतने के बारे में सोचते थे। आजकल के बारे में आजकल की लड़कियों से पूछे थे बाबा है यदि 2-5 साल हो गए ना शादी के और वो मिस्टर मेरे परिचय में आ जाए और फिर वो घर में जाके कहे कि मैं भी अब आजीवन हाल का पिसा नमक खाऊंगा, तो पत्नी बोलेगी मिस्टर जो कुछ कहना था तो मैं 5 साल पहले कहना था अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैंने कि आप सुन तो खान पान शुरू कराना चाहो तो मेरे ख्याल से 1% चांस अभी भी होगा, अभी भी 18,500 वर्ष बाकी है। लेकिन रियली मैंने वो तैयार होना बड़ा कठिन काम है, आपको पहले कहना था जो कहना था। तो बच्चों में ऐसे संस्कार डालें, दिल जीतना समझ गए, काम करना रसोई बनाना बच्चियों के लिए सबसे बढ़िया हथियार है दिल जीतने का। आप मेकअप के भरोसे नहीं जीत पाओगे, डांस के बल पे नहीं जीत पाओगे, वो घरों में तलाक चल रहे हैं बिल्कुल। भोजन एक ऐसी कला होती है जिसमें पति को और सास को सबको जीता जा सकता है। मेरी बुआ जी पहली बार ससुराल गई, मैंने तो उन्होंने रहता है ना काम करने का जो, तो उन्होंने कहा आज इमरती बनना है, तो बुआ जी ने फटाफट उड़द उड़द पीस दी, वो फटाफट सो 1.5 किलो पीस, 1 घंटा लेंगे पीस और अच्छी बनी तो सब तारीफ करें, वो यही तो सुनना था और सुनना क्या था अब पूरे गांव में चर्चा चल रही, भैया बहू तो बहुत अच्छी है, उसने फटाफट यहां से पीस दी, उसने फटाफट चाय तो मिक्सी में भी पीस जाती, लेकिन उन्होंने पीस के दिखाई, पकड़ बना के बताया, तो सब तारीफ, इन्हीं से तो दिल जीता जाता है। अब आजकल लड़कियां क्या 8 बजे सो के उठो, पिज्जा मंगा ली, बर्गर मंगा ली, हॉट डॉग मंगा ली, नूडल बना ली, मुझे आज के बच्चों को कुछ आता नहीं। बहुत कुछ कह दिया मैंने, फिर भी एक लाइन और कह देता हूं, वर्तमान में जिस तरह से बच्चियां 7 बजे स्कूल चली जाती हैं 22 साल की उम्र तक और चौके में नहीं जाती, पानी छाना नहीं सीखती, रसोई बनाना नहीं सीखती, पापड़ बनाना नहीं आता, बड़ी बनाना नहीं आता, कड़ी बनाना तक नहीं आता, मैंने कुछ छोटे छोटे काम भी नहीं आती। यदि बीमार के लिए दलिया अकेला बनाना ना बहुत सिंपल काम है दलिया बनाना, लेकिन 90% नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती वो बता दी मैंने, सुनो अब ऐसी बच्चियां यदि हैं 22 साल की उम्र में तो मेरे से लिखवा के ले लो, 90% तलाक होगा, कमा रही उसी से तो तलाक होगा, उसे हमेशा अहंकार रहे मैं कमा रही हूं मिस्टर तुम्हारा नहीं खा रही, सास ससुर एक तरफ पति भी आजकल एक तरफ, ये काम ऐसे है जैसे दिल जीता है। मैं फिर कह रहा हूं ये कई गुण सीख लेना बच्चियां, दिल जीतना, आपकी मुस्कान, आपकी वाणी, आपका हृदय, आपकी करुणा, आपका सेवाशीलता, ये दिल जीतने की साधन होते हैं। पैसा कमाने की आंट में तो पति पत्नी में ही नहीं बनती, क्योंकि ज्यादा कुछ बात होती है मिस्टर चुप रहो ज्यादा मत बोलो, मैं भी थक जाती हूं, कोई तुम ही नहीं थकते हो मतलब बातचीत का लहजा ही बदल जाता है। सच्ची घटना है, गुनाह में हुआ, मैं नाम मांगता किसी का नहीं बताता, गुनाह में सच्ची घटना है, सास ससुर उन्हें ससुर जी नहीं बताया था मुझे कि हमारे लड़के लड़की दोनों आईटी हैं, और क्या बहू बेटे दोनों आईटी हैं, इंजीनियर हैं, और शादी भी उन्होंने अपनी मर्जी से करी, हमसे पूछ के नहीं करी, तो मंजूर कर लिया, अब क्या करें, आजकल बच्चे हाई फाई हैं तो चलो ठीक, लेकिन अब हम वो घर में आती है ना, घर में थोड़े दिन के लिए भी आती है गुनाह में, तो दोनों के बीच में ऐसा दृश्य होता है कि हम दोनों सास ससुर एक कोने में खड़े रहते हैं भीगी बिल्ली बने, और हम उस बच्ची से ये कहते बेटा अब हमारी चिंता तो नहीं करो, इसे ही पाल लियो सच्ची बात है, तुम इसे निभालो, इतना ही हमें बहुत है, हमारी इज्जत गुनाह में बहुत है, अरबपति पार्टी है, संपन्न है, ये तुम इसे संभालो, इतनी बुरी हालत है। लेकिन ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप केवल हंसे, हो सके तो अपने बच्चे बच्चियों में ये संस्कार डाले। आइए अब खलनायक और खलनायिका के गुण भी देखें थोड़े से जान मुझे पढ़ाना है मुझे, वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं पढ़ाना इसलिए चाहता हूँ, लिखें आप, जब बच्चे से पूछें इस फिल्म में विलेन कैसा लग रहा था तुम्हें, वो पिट रहा था, पुलिस पकड़ रही थी, अरेस्ट हो रहा था, महिलाओं से चप्पल मार रही थी, ऐसा कर रही थी, ब्लेम हो रहे थे, कोर्ट में केस हो रहा था, शकल ऐसी हो रही थी। मैं तो बच्चे को दिखाता हूँ अखबार, आप लोग भी बच्चे को अखबार दिखाया करो, बिल्कुल दिखाया करो, 5-6-8 साल के बच्चे को ही दिखाया करो कि देखो ये लड़की है ना, अब यहां से पुलिस पकड़ के लगे यहां से जा रही कपड़ा बांधने,
अपराधी देखो अब सिर छिपा रहा, चेहरा छिपा रहा है, तो क्यों छिपा रहा पता है बेटा? ये लड़की खलनाई का है जी, हर किसी से बात करती है, हर किसी को घूमती रहती है, हर किसी से हाथ चल देती है, न इसे माता पिता की चिंता है, न भाई की चिंता है। अपना मस्तक कैसा हो गया वो भोपाल के कांड में, श्वेता जैन, विजय कुमार जैन, श्वेता, स्वप्निल, कौन कौन भी, अब एक जैन लड़की का नाम आया पूरे हनी ट्रैप खिला था, क्या खिला था जो अभी भाई भयंकर बड़ा केस हुआ है, अब जिंदगी नहीं निकल पाएगी वहां से, भाई पढ़ लेना क्या। हम तो इसलिए बताते हैं नाम लेकर के भी, ये जैन लड़की है दिशा पाटनी, जिसने अपने को समाज को कलंकित किया, मैंने फिल्मों में काम करती है इसलिए कह रहा हूं मैं उसको, उसकी पोज देखो है, पड़ोसी ने आरोप लगाया थे प्रोड्यूसर पर कि हमारे साथ वेश्यावृत्ति का काम करती है, गलत काम करते हैं, मुकदमे चला रखे उसने, और खुद ही चार जैसे पोज दे दी फिरती, चार जैसे पिक्चरों में काम करती। मैं खुल गई ये बात कहता हूं, हमारी बच्चियां सुनेंगी तो हमें उन्हें लगेगी फिल्मों में काम करना पंडित जी को अच्छा नहीं लगता, मुझे तो कमाने ही अच्छा नहीं लगता, तुम कभी नौकरी पे जाओ ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम्हें कमाने वाला पति तक नहीं मिला, दुर्भाग्य माना जाता था कि अब कमाने का साधन नहीं है, पति बीमार हो गया, पति एक्सपायर हो गया, पति को घटना घट गई तो मजबूरी में कमाने जाना पड़ता था, तो बहुत ऐसा लगता था भारी, सोई बड़ी मर्यादा में जाती थी करती थी कुछ काम, मुझे कमाने ही पसंद नहीं, एक्टिंग वेक्टिंग के क्षेत्र में हम क्या कहें, आप चाहो तो हजारों हीरोइनों के मी टू कैंपेन चला था, मी टू कैंपेन, हजारों हर 6 सेकंड में एक महिला ने बताया था कि नौकरी करने पर उनके साथ क्या गलत व्यवहार होता है, फिल्मी हीरो हीरोइन कितने अभी आ चुके हैं, पढ़े होंगे नहीं पढ़े तो मैं बता दूंगा आपको, मैंने तो नाम लिख के रख लेता हूं बच्चियों को बताने के लिए कि हीरोइन से पूछो जाकर के इस पर क्या गुजरी है, बड़े बड़े सुपरस्टार हीरो हीरोइनों को घर बुलाते हैं अकेले में और क्या दुर्व्यवहार करती है, अब ये बच्चियां नहीं जानती उन्हें क्या लगता है कि फिल्मों में दिखाया जा रहा है ये सही है और ये करना चाहिए, वही भी लड़कों के साथ घूमना फिरना खाना पीना चाहे जैसे उठना बैठना, नहीं हमारी एक भी बच्ची भारतीय संस्कृति की एक भी बच्ची जैन समाज तो क्या भारतीय संस्कृति एक भी बच्ची बच्ची को ये नहीं करना चाहिए, तो खलनायक का वो खलनायक के गुण देखो दो गुण मतलब दुराचारी होते हैं उनके काले वस्त्र होते हैं, आप कभी भी दुराचारियों को विलेन वगैरह को सफेद वस्त्रों में नहीं देखोगे, दुर्योधन का कभी देखना दुर्योधन हमेशा काले कपड़े पहना के दिखाते हैं, युधिष्ठिर को देखना युधिष्ठिर के सफेद कपड़े मिलेंगे सदा, वे सफेद पोश है उनकी सफेद ड्रेस नहीं है वे सफेद पोश है, लेकिन अच्छे के नाम पर गलत चलता है ऐसे समझ लो आप, राजनीति बहुत अच्छा शब्द है, राजनीति बहुत सुंदर शब्द है, बहुत ही सुंदरतम शब्द है, लेकिन अब वर्तमान विसंगतियां हो जाने से कुछ हुआ है वो अलग बात है, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल राज प्रधानमंत्री बहुत अच्छे शब्द हैं देश के लिए, अब ऐसे पोस्ट पर आकर कोई गलत व्यक्ति उसे बदनाम कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, राजनेता होना माने द बेस्ट काम होता है वर्ल्ड का, लेकिन खलनायक दुराचारी बस लगभग काले होते हैं या डार्क कलर होते हैं, मैं इसलिए बात कह रहा हूं महिलाएं यदि काली साड़ी पहने तो अच्छा नहीं लगता, डार्क कलर पहने तो अच्छे नहीं लगते, पुरुष वर्ग भी काले काले कपड़े पहनना मैंने आप अपने आप को फिर क्या सोचते है? आप इस ड्रेस में जाकर के भगवान के पास खड़े हो और धोती पट्टा पहनकर खड़े हो, आप अपने परिणामों का चेंज देख लो, राकेश जी हैं धर्मपुर में ब्रह्मचारी हैं राकेश जी हैं, बहुत बहुत बड़ा फॉलोवर संप्रदाय है उनका एक प्रकार है, बहुत बड़ा फॉलोवर, लेकिन उनकी सभा का नियम देखो आप, एक भी व्यक्ति प्रवचन स्टार्ट होने के बाद नहीं आ सकता, 15 मिनट पहले बैठ जाते हैं सारे के सारे, हिंदुस्तान में विदेश में कहीं भी उनके प्रवचन होंगे 15 मिनट पहले आकर के बैठना कंपलसरी है, इसके बाद नो अलाउ। नंबर 2 सबकी सफेद ड्रेस 100%, 4-4 लाख पब्लिक बैठती है जिस दिन उनका जब होता है ना श्वेतांबरों का संवत्सरी प्रतिक्रमण होता है बहुत बड़ा, उसमें 5-5 लाख पब्लिक बैठती है स्टेडियम में चारों तरफ, लेकिन सफेद कपड़े, गायन का अनुशासन, संगीत का अनुशासन, प्रवचन का अनुशासन, एक व्यक्ति युवक था और जबकि ले रहा था जबकि
उसे उठा करके मंच पे खड़ा करके एक घंटे के लिए मंच पे खड़ा रहा हूं एक घंटा, और बीच में पूछते रहे तकलीफ तो नहीं ना कुछ, खड़े खड़े रहा वही इतना स्ट्रिक्ट अनुसार। हाँ हाँ, बिना पूछे सांस नहीं पढ़ते, बिना पूछे बात नहीं करते, बिना पूछे जो उनसे आज्ञा लेंगे वही पढ़ाई करेंगे। मैंने एक प्रकार से देखा है तो गुरु शिष्य की बढ़िया परिपाटी का कायम कर रहे हैं। अभी हम लोगों में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। चप्पन यहां पूरे परिसर में कितने लोग भी आ जाए उनके धर्मपुर में, सड़क पर, गलियों में, इधर उधर परिसर में एक भी व्यक्ति फोन पर बात करता हुआ नहीं मिलेगा। भोजनशाला में 50,000 लोग भोजन कर रहे हो, एक आदमी बोलता नहीं मिलेगा आपको। ये मैं डिसिप्लिन क्यों बता रहा हूं कि तारीफ गुण ग्रहण होना चाहिए, गुण से प्रमोदन होना चाहिए। हमारे यहां तो इतना कोलाहल होता है जैसे सब्जी मार्केट हो। शांतिपूर्वक करो। हमारे साथ में 4 से 5 गए थे वहां पर, तो अब बोलने लगे, उनको तो आदत नहीं बोलने का, तो बोलने लगे। तो एक छोटा सा बच्चा एक फोटो लेके आया, वो बाद में उसने बोल के लिखे कि यहां बोलो मत, एक फोटो लेके आया। शर्मिंदा हुए वो, चार या चप्पल लग रहे थे, शर्मिंदा हुए। उनका कार्यकर्ता आया, फोन चप्पल उठा कमरे के अंदर, पूरे परिसर में एक भी कमरे के बाहर चप्पल नहीं मिलेगी, जूते नहीं मिलेंगे। ये बात अच्छी है तो हमें ग्रहण करना चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ रोजाना के फोटो खींचना चाहिए, अपने चप्पल स्टैंड है ना आसपास का, जहाँ आप जिस तरह छोड़े उसका फोटो खींचा और रोज पर्दे पे दिखाया जाए, और फिर उन्हीं को व्यवस्थित करके उन्हीं की एक फोटो खींचा उन्हें भी दिखाया जाए। मेरा मतलब है बच्चों में ये संस्कार डालने से। आप एक बात समझो, बच्चे यदि अच्छे से करते हैं ना तो हजारों लोग सीखते हैं उससे। और सही बात बताऊं, बच्चे मम्मी पापा के दर्पण है, प्रतिबिंब है। सारी दुनिया कहेगी ये बच्चा अच्छे से, मम्मी पापा बहुत संस्कारी होंगे। आपने देखा भी होगा जब मम्मी अच्छे काम नहीं करती, तू तड़ाक बोलती है, अच्छे से नहीं खाना बनाती, तो वही अम्मा ने जो ही सिखाया है, मैं सीधी अम्मा को प्रतिबिंब बना। तो हमारे माता पिता ने यही सिखाया है, आपको संस्कार नहीं दिए। आपको पता है बहू बन करके जाना बहुत तकलीफ की चीज है, क्योंकि एक भिन्न कल्चर, भिन्न ट्रेडिशन, भिन्न मैनर्स, उसके बीच में जाकर उसे एडजस्ट होना है। बच्चों को ये गुण जरूर सिखाने चाहिए। चलो टाइम हो रहा है, हो ही गया है, मैं बस फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ। भौंहें टेढ़ी दिखाते हैं, मैंने टेढ़ी भौंह से बात करना एक दुराचारी का लक्षण है, विलेन का। ऐसे टेढ़ी आंखें करके बात नहीं करना चाहिए, ये मुझे कहना है। सप्त व्यसनी होगा, अंधविश्वासी होगा, अविश्वसनीय होगा, भयभीत होगा, कपटी होगा, षड्यंत्र करने वाला होगा। जब देखो जब षड्यंत्र की भाषा बोलेगा, प्लान बनाता हुआ मिलेगा, अय्यास होगा। सप्त व्यसनी कह दिया इसलिए आप आंखी तो आप समझ ही लो, शराब पीता होगा, सिगार पीता होगा आगे, और इसका अंत बुरा है। जबकि नायक का अंत श्रेष्ठ है और सम्माननीय है। नायक की स्टोरी का एंड सुखांत होता है, और खलनायक का एंड हमेशा फिल्मों में दुखांत होता है। इतने गुणों की बात करी, अभी मुझे और भी चर्चा करनी है। हालांकि मेरे पास सजेशन किया था भैया ने, भाई साहब ने, कि एक टाइम सुबह सुबह बढ़िया अध्यात्म चल जाए, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा फिर ये बात सुनाने के लिए। तो इसलिए मैं एक बार आपको ये चाह रहा हूँ, एक बार मैं पेरेंटिंग में जितना मेरे दिमाग में है ना 50 साल का कचरा एक बार निकाल लेना चाहता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर कहीं नहीं कही जा सकती, लेकिन यहाँ के माहौल में मुझे लग रहा है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, तो मैं भी डिसलाइक नहीं कर रहा। जैसे पूज्य गुरुदेवश्री का जीवन चरित्र सुनाना था, तो मैं कहाँ सुनाता, ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ थी। हमारे मंदिरों में बैठकर ये बात हम नहीं कर सकते, जिनवाणी के सामने नहीं कर सकते, और जब भी मैं सुनाऊंगा तो लोग ढोक देंगे, तो जिनवाणी भी नहीं कर सकते थे गुरुदेवश्री की स्टोरी सुनाते समय। तो बहुत सारे प्रिकॉशन लेने थे मुझे। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में कहाँ जाऊंगी मेरी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन बॉम्बे जाने पर उन्होंने हाल लिया था, टाउन हॉल, तो फिर वो काम थोड़ा सरल हो गया। मंदिरों में अपन ऐसी काम नहीं कर पाते, तो वहां मैंने सुनाई। अभी चूंकि गुरुदेव का नाम आया तो मुझे ये बात याद आई, आज सातम का दिन है, और आज से ठीक एक महीने पहले पंडित टोडरमल जी साहब का भी अवसान हुआ था। एक सप्ताह, एक महीने, जस्ट एक महीने पहले कृष्ण सप्तम सप्तमी, और अभी भी कृष्ण सप्तमी है। पूज्य गुरुदेव श्री का आज देव योग हुआ था, अब समय तो हो गया, लेकिन उनके बारे में सच में जितना कहो उतना कम है। मैं तो ये चाहूंगा यदि आपके पास उनकी सीडी हो, गुरुदेव का जीवन चरित्र जो मैंने कहा है, तो
आज का प्रसंग 1-1.5 घंटे का है। गोरी श्री कैसे, किन परिस्थितियों में स्वास्थ्य खराब हुआ, क्या हुआ, वो पूरा 1-1.5 घंटे का बड़ा बैराग्यमय प्रसंग है। आपके आंखों में आंसू जरूर आएंगे और गुरुदेव श्री का उपकार अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसीलिए हम उनको अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं, हम उनको स्मरण करते हैं और समय पाकर में उनके जीवन चरित्र। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुनाने का भी मूल मेरा आधार ये था कि मैं उनका जीवन चरित्र बता के दुनिया को संस्कारित करना चाहता था। जो भी संस्कारिंग की बात चल रही है, मैं आपको गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र की बहुत सारी घटनाएं इसलिए सुनाई केवल मैंने कि लोगों को पता लगना चाहिए कि गुरुदेव कितने संस्कारी थे और उनके जीवन से हम कितना सीख सकते हैं। अभी तक विराम लेते हैं। ओम नमः।